तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि कैसे मैंने फॉक्सिन का आर्मर चोरी करा उसके घमंड को तोड़ने के लिए, लेकिन तभी मुझे उसके एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चला जो कि था प्लान ऑफ डेथ, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा जमाने का। फिर मैंने एक सीक्रेट रूम बनाया जिसके अंदर मैंने अपना आर्मर छुपा दिया। फिर मैंने डिसीजन लिया था अपने फ्रेंड को यहाँ पे लाने का। फिर कुछ रिसर्चेस करने के बाद जब मैंने उसको उसके घर भेजा तो कुछ देर बाद उसके साइड से बहुत जोर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। और अब आगे, ओके गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ गॉड आर्मर। तो लास्ट एपिसोड में मुझे वो क्लू मिल गया कि जो सीक्रेट है वो फॉक्सिन कहाँ पे छुपा के रख सकते हैं। एंड मेरा फ्रेंड न्यू था तो मैं उसे बताना नहीं चाहता था, तो मैंने उसको यहाँ से उसके घर तक भेज दिया था। तभी मेरे पीछे से फॉक्सिन आया था और वो उसी के साइड गया था जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। एंड तभी उधर से उसके पोर्टल के पास से उसके चिल्लाने की आवाज आई थी गाइस। एंड मैं फिर इधर से दौड़ता दौड़ता उसके पोर्टल के पास गया था यहाँ से अपना गॉड आर्मर लेके, कि आई थिंक फॉक्सिन ने उसे कुछ कर दिया। तो मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में उसके पीछे चला गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस आवाज के बाद जब मैं वहां पे उसके पास गया तो उस पोर्टल के पास ना ही शुभ्रांशु था और ना ही फॉक्सिन था। अब मुझे लिटरली कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या, बट हमारे पास दूसरा मिशन था जो कि मुझे सबसे पहले निकालना जरूरी था। वो था फॉक्सिन का दूसरा सीक्रेट जो कि मैंने पता लगा लिया था कि वो कहाँ हो सकता है। सबसे पहले आज हम लोग उसको चेकआउट करने वाले, उससे पहले कि लोगों को ज्यादा पता चले और वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा गॉड आर्मर लेके तैयार हूँ कि अगर उस टाइम पे कुछ खतरा आता है मेरे ऊपर तो मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँ। एंड गाइस, कैन वी गेट दिस गॉड आर्मर एपिसोड टू 50,000 लाइक्स? तो गाइस लाइक जरूर कर देना। एंड देखो, एट लास्ट यहाँ पे मैंने अपना पूरा दिमाग से सोच कर पता लगाया था और जो दूसरा क्लू है वो कहाँ हो सकता है, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे ये जो नेदर पोर्टल है वहीं पे हो सकता है इसका लास्ट क्लू। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा श्योर था, लेकिन मेरे को अच्छे से तोड़ना होगा क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करता हूँ और उसे कुछ पता चलता है मेरे गलती का तो वो यहाँ पे आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा। वेल आई थिंक कि इधर तो कुछ नहीं है, लेट मी सी। ओके, यहाँ से तो नेदर पोर्टल आ गया, यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला। मैं इसको जैसा था वैसा लगा देता हूँ, वरना अगर फॉक्सिन को कुछ भी पता चला तो ये हमारे लिए बहुत बुरा चीज हो सकता है। एकदम अच्छे से देख के भर दिया, मेरे को ऊपर से भी देखना पड़ेगा। इसके अंदर से ना बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए इस नेदर पोर्टल को तोड़ देता हूँ। और यार, ये मैंने क्या किया, क्या पता कुछ रिस्क हो जाए, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक के लिए इसको तोड़ नहीं सकते। हम लोग अपना काम करते ही यहाँ पे वापस से इसको ऑन कर देंगे, नहीं तो अगर फॉक्सिन को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है हमारे साथ। मुझे ऊपर भी जाके देखना होगा, बट मैं पहले यहाँ से तोड़ तोड़ के चेक कर लेता हूँ यहाँ पे हमें कुछ भी मिल सकता। वेट, देयर इज अ चेस्ट। ओह सीरियसली, रुक जाओ, मेरे को पहले इसको अच्छे से लगाने दो। एंड भाई फाइनली हम लोग जो क्लू इतने अच्छे से ढूंढना चाहते थे, मैं सही था, हमें वो चीज मिल चुकी है। लेकिन इस चेस्ट में क्या हो सकता है, मुझे इसे संभल कर खोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरे पास मेरा गॉड आर्मर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको खोलते हुए। एंड इसको मैं ओपन कर रहा, यहाँ पे एक बुक है गाइस, एंड आई डोंट नो इस बुक में क्या है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी थिंग है, मैं इस बुक को लू या ना लू यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है गाइस। बहुत रिस्की मोमेंट है, बट मेरे पास मेरा गॉड आर्मर है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बुक तो ले लिया है, लेट मी रीड इट। बियॉन्ड ऑल पावर, व्हाट, बियॉन्ड ऑल पावर, आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स जो कि सारे पावर को क्रॉस करता है। इसका कहने का मतलब तो कुछ ऐसा ही है, हो सकता है इस बुक के अंदर हम लोगों को एक ऐसा राज मिल जाए जो कि बहुत बड़ा राज खोलेगा गॉड आर्मर को और हमारे मिशन की ओर एक कदम और हमें आगे बढ़ा देगा। तो द टाइम टू ओपन फिल इन द ब्लैंक्स, एविल आर्मर, हा फॉक्सिन्स एविला, व्हाट डज इट मीन, फिल इन द ब्लैंक्स, एविल आर्मर, फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है। और यहाँ पे एक एरो बना है, इट मींस एरो के सामने एविल आर्मर है, मतलब कोई फिल इन द ब्लैंक है, एक ब्लैंक है जिसके अंदर ये एविल आर्मर जाता है। एविल आर्मर मतलब गॉड आर्मर, हमारे पास जो है वो गॉड आर्मर है। एविल आर्मर, नो डोंट टेल मी, इस पे लिखा हुआ है बियॉन्ड ऑल पावर। ऑल पावर मीन्स ऑब्वियसली ये गॉड आर्मर से ज्यादा पावरफुल की बात कर रहा है। एंड देयर इज अ एविल आर्मर एंड वेट, दिस इज नॉट लुकिंग फाइन। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, बहुत ज्यादा खतरे में हम लोग। मुझे आज तक लग रहा था कि मेरी प्लान बहुत ही अच्छी चल रही है, बट आई थिंक ही इज गोइंग अनदर लेवल और हम लोगों को उसने पीछे छोड़ दिया है। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, आखिर क्या हो सकता है ये। नो डोंट टेल मी गाइस, आई थिंक ये सही है। मैं अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, इसको यहाँ तोड़ो। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे इसके पास नीचे एक बेसमेंट था, वहां पे हमारे पास एक बुक थी। डोंट टेल मी दिस इज हैपनिंग, तोड़ना होगा। एंड हम लोग यहाँ से जंप करते हैं, हमारे पास सिर्फ गॉड आर्मर और यहाँ से सिर्फ गॉड आर्मर ही नीचे आ सकते थे। एंड इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। यहाँ पे बेडरॉक से इसने पूरा वो बना रखा था फील्ड जिसके आर पार कोई ना जा पाए। और यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट थे जिसमें से किसी एक चेस्ट में तो यहाँ पे एक बुक थी, प्लान ऑफ डेथ की बुक, जिसके अंदर लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी माइन। After the lot of hard work, I gained the power of God armor. I am going to make blank with the help of God armor. Up of the ingredients are collected some more. Ha 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 ha! And a tremendous thing is going to happen. Earth is
माइंड नाउ. नो डोंट टेल मी दिस इज हैपनिंग. ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है गाइस. इसने बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करा है और दो तीन जगह इसको करा है ताकि इसका अगर कोई राज भी लीक हो जाए, जैसे कि हमें इसके बारे में प्लान ऑफ डेथ के बारे में बहुत पहले पता चला था, लेकिन ये बियॉन्ड ऑल पावर के बारे में हम लोगों को कभी नहीं पता चला. इसने इसलिए इसको अलग रखा था आगे की फ्यूचर की तैयारी करते हुए कि अगर इसका कोई एक बुक भी पकड़ा आ जाए तो दूसरा बुक इसका जो सीक्रेट है वो बचा रहे, जिसकी वजह से कोई इसके बारे में जान ना पाए. तो अगर हम लोग सारे सर्कमस्टेंसेस को देखें तो प्लान ऑफ डेथ के अंदर लिखा हुआ है, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई गेन द पावर ऑफ द गॉड आर्मर, आई एम गोइंग टू मेक डैश विद द हेल्प ऑफ गॉड आर्मर. मतलब ये जो भी चीज बनाने वाला है वो गॉड आर्मर के हेल्प से बनाने वाला है, जो कि हमें पता थी. और इसके लिए जो हाफ इंग्रेडिएंट्स है इसने कलेक्ट कर लिए हैं और थोड़े बाकी हैं. और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि भरा हुआ नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स एविल आर्मर. हा 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 हा. नो, इसका मतलब यहाँ पे था ये गॉड आर्मर की हेल्प के वजह से एविल आर्मर बनाने वाला है, जो कि इस बुक का नाम है बियॉन्ड ऑल पावर, जो कि गॉड आर्मर से भी ज्यादा पावरफुल है. दिस इज एक्सट्रीमली बैड. ऑक्सन ने अपना दिमाग बहुत ही अच्छा चलाया और बहुत अच्छी कोशिश करी अपने सारे सीक्रेट्स को बचाने में, बट हम लोगों ने फाइनली उसके दोनों सीक्रेट जान लिए, जो कि है बियॉन्ड ऑल पावर का. और ये चीज अभी तक ये नहीं कर पाया क्योंकि इसका जो गॉड आर्मर था उसको मैंने ऑलरेडी चुरा लिया था, जिसकी वजह से ये वाला प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और इसके जो हाफ इंग्रेडिएंट्स के बाद इंग्रेडिएंट्स थे वो जमा नहीं कर पाया फॉक्स. द स्टोरी ऑफ एविल आर्मर. और नेक्स्ट पेज में स्टोरी ऑफ एविल आर्मर लिखा है गाइस, जो कि मैंने पढ़ लिया. अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो पूरा प्लेलिस्ट गॉड आर्मर का है, उसमें एक एविल आर्मर की भी स्टोरी है, आप लोग उसे जाके जरूर देख लेना. बट यू नो गाइस, दिस इज नॉट सो गुड. आई थिंक ने जब इतना ज्यादा प्लान कर रखा है उसने एक कदम बढ़कर कुछ और भी प्लान कर. यस, द टाइम हैज कम कि मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा. पता नहीं कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं. मैं आज तक तो नहीं डरता था क्योंकि मेरे पास गॉड ऑफ आर्मर था और गॉड ऑफ आर्मर को गॉड ऑफ कोई भी नहीं मार सकता है. मगर यहाँ पे एक और पावरफुल चीज है जो कि है एविल आर्मर, जिसके बारे में मैं आज तक नहीं जानता था. तो यस, आई कैन बी किल्ड बाय द एविल आर्मर. हमें और भी अच्छे से तैयारी करनी होगी और भी अच्छे प्लान बनाने होंगे फॉक्सन को हरा कर इस दुनिया को बचाने के लिए. वेल गाइस, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि फॉक्सन को मैं गॉड ऑफ आर्मर यूज करके नहीं मार सकता, क्योंकि वो गॉड ऑफ आर्मर ऑलरेडी एक बार रह चुका है, ओनर ऑफ गॉड आर्मर. कोई भी उसको गॉड आर्मर यूज करके नहीं मार सकता है. इसका मतलब है अगर मैं एविल आर्मर यूज करूं तो मैं फॉक्सन को सीधा सीधा मार सकता हूं. बट मुझे कुछ भी नहीं पता है एविल आर्मर के बारे में. अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी, कैसे वो एसेसियन मर गया था. पता नहीं अगर उसे पता चल गया कि मुझे ये सीक्रेट पता चल गया तो क्या होगा. इसलिए हम लोग सबसे पहले जो भी जैसे ऐसे उठाए थे सबको एक जगह पे रख देते, कुछ भी हम लोग इधर उधर नहीं करेंगे. नहीं तो अगर उसे पता चल गया कि हमें इसका ये सीक्रेट मालूम चल चुका है एविल आर्मर का, तो एक और स्टेप आगे चला जाएगा. मुझे कुछ तो करना होगा अगर मैं बचाना चाहता हूं तो. नेक्स्ट एपिसोड में गायब शुभ्रांशु फिर से मेरे पास आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज होगी. सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. लाइक द वीडियो एंड गुड बाय.